नगर नानपारा कब्रिस्तान में हो रहा है बड़ा खेल। आपको बताते चलें, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है कब्रिस्तान। खुलेआम अवैध तरीके से धार्मिक स्थान पर नशेड़ी करते हैं राज। शासन प्रशासन का खौफ नहीं है। धार्मिक स्थल कब्रिस्तान के चौकीदार ने बना दिया है नशे का बड़ा हब। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? कमेटी की नगर पालिका है। शाम होते ही कब्रिस्तान में जमा होने लगते हैं नशेड़ियों। सूत्रों की माने तो रात होते ही देते हैं चोरियों को अंजाम। सूत्र, आखिरकार कब्रिस्तान कमेटी क्यों नहीं देखरेख कर रही है? जब किसी चीज की बोली लगनी होती है तो तभी कमेटी दिखाई देती है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। कब्रिस्तान किसके लिए है? कमेटी से पूछना चाहता हूँ, आखिरकार कब्रिस्तान को कब मिलेगा नशेड़ियों से निजात? कुछ मोहल्ले वासियों ने विरोध किया तो नशेड़ियों ने मिलकर मारपीट की, इसका जिम्मेदार कौन है? वैसा मैं वीडियो बनाए ले रहे हैं, ये फालतू आदमी जो यहाँ है इनका सबका भगावा जाए। ये सब गलत का नंबर है आपके पास। इन्होंने कहा हाजी जी का नंबर नहीं है, हाजी जी को बुलाने भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाजी जी को बुला कर लाओ, कमेटी को बुला कर लाओ। कहते हैं मैं कमेटी को नहीं जाऊँगा बुलाने। ये यहाँ के चौकीदार है भाई साहब, देखिए आप लोग, ये देखिए गंदगी, ये थैली पन्नी। अब आप मैं कब गंदगी और दिखाता हूँ थोड़ी बहुत। अब मीडिया में जाएंगे हम भाई? नहीं, मैं मीडिया के पास जाऊँगा। ये गंदगी देखिए यहाँ होता है, ये यहाँ कौन आता बैठता है? ये कमेटी मुझको जवाब दे इसको, यहाँ किसने आग लग जाए? ये कहाँ से कूड़ा लाकर ढेर किया? ये यहाँ पर से तम्बाकू नशा पत्ती सब कहाँ से मिल गया? यहाँ जब कोई रहता नहीं यहाँ कैसे आ गया? ये देखिए कब्रिस्तान में भाई खाली गंदगी करते हैं, हकते मुँहते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी आकर बैठते हैं। देख लीजिए भाई,